नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के महापौर प्रत्याशी द्वारा की गई रणनीति की बैठक। मंगलवार को दीवान का बाजार स्थित एक हाल में समाजवादी पार्टी के महापौर प्रत्याशी ने निकाय चुनाव को लेकर एक आवश्यक रणनीति की बैठक की, जिसमें समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान महापौर प्रत्याशी हाजी रईसुद्दीन नईमी ने जीत का आह्वान किया और संकल्प लिया कि इस बार के निकाय चुनाव में पूर्ण रूप से जीत होगी। जो लोग सभासद जी के टिकट मांग रहे थे, सुबह टिकट नहीं मिला, लालू मांग रहे थे टिकट नहीं मिला। बात करते हुए फोटो हो रहे हैं, बात करते हैं सारे जो हमारे पूरी मीटिंग हो रहा है, जो हमारे यहाँ टिकट मांग रहे थे उनको। आज किस संबंध को लेकर चर्चा की गई है? हम चुनाव के ऊपर नई चर्चा की है, तमाम कार्यकर्ताओं और हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को हमने बुलाया है और विधानसभा सदस्य हैं, पूर्व विधानसभा सदस्य हैं उनको बुलाया है और हमारे यहाँ पाशा जी हैं, महानगर अध्यक्ष हैं असद कमां और ये जुबैर रसद साहब हैं और लाडू परवेज साहब हैं, सरासद सदन गामा साहब हैं, कमरुजमा हैं और भूरे भाई हैं और फिर जनाब यूसुफ अंसारी साहब थे, हाँ यूसुफ अंसारी साहब। और किससे टक्कर मानते हैं? टक्कर हमारी बीजेपी से ही है और कोई नहीं है। हमारा क्या आह्वान करते हैं आप? हम विकास का आह्वान करेंगे। जीत का क्या आह्वान? जीत का रिकॉर्ड जीत होगी इंशाल्लाह हमारी। क्या कोई संदेश देना चाहेंगे इस वक्त? कुछ कहना चाहेंगे जनता से? हम जनता से ये संदेश देना चाहेंगे कि जनता हमें भरपूर वोट दे और हम भरपूर काम करके दिखाएंगे उन्हें और ऐसा ही एक ऐतिहासिक काम करके दिखाएंगे कि आज तक किसी मेयर प्रत्याशी ने काम नहीं किया होगा, मेयर ने क्यों नहीं किया होगा। 15 साल से आप देख रहे हैं जिस मेयर का काम, वो आज किसी जगह विकास का काम दिखाई नहीं दे रहा उनका, और उनसे आज जनता नाराज है हर क्षेत्र में, हर धर्म में, हर एरिया में, कोई समाज उनसे राजी नहीं है। आपका नाम जानेंगे? जी, मेरा नाम इकबाल हुसैन अंसारी, समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष। ये मीटिंग मेयर चुनाव को लेकर हो रही है कि हमें किस तरीके से इस चुनाव को लड़ाना है। ये हमारे रईस नईमी साहब चुनाव लड़ रहे हैं और मेयर प्रत्याशी बने हैं, इस चक्कर में हमारे सारे लोग यहाँ, इन्होंने हमें बुलाया है, महानगर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो हमें ये डिस्कस करना है कि हमें किस तरीके से इस चुनाव को आगे लेके जाना है। जनता हमारे इंतज़ार में है, हमें जनता को मैसेज देना है ताकि जनता हमारी तरफ तेज़ी से जुड़ी रहे और हम इस चुनाव को जीतने में कामयाब हो पाए। क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग नाराज हो गया प्रत्याशी से, महापौर प्रत्याशी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये मुखालिफ लोग तो नाराज़ होते ही हैं, अब बड़ी पार्टी है, कहीं ना कहीं कोई वैसी बात हो भी जाती है, वरना पूरे शहर के हालात हमने लिए, सारे कार्यकर्ता हमारे पास आए अपने टिकट वाले, अभी तक हमारे सामने कोई नाराजगी की बात नहीं है, सारे लोग सहमत हैं। किससे टक्कर है किसका? हमारा सीधा मुकाबला देखिए बीजेपी से है। जीत का हमें अब की बार जीत हमारी होगी क्योंकि सर्व समाज के लोग हमारे साथ।